तो हम क्या बोल रहे हैं दैट हम इस में ये डिस्कस कर रहे हैं दैट द सेम दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर बाय कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है अंडर द फेमा 1999 कि जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस है अंडर द फेमा एक्ट 1999 कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा. जो डेफिनेशन है पर्सन इज सिमिलर हुए डेफिनेशन जो भी कंटेंट थी इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में. जो टर्म पर्सन है इट इंक्लूड्स एंटिटीज सच एज कंपनीज फर्म इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी आरटीपी एजीपी इसमें एओपी एजीपी एज वेल एज ऑफिसर्स एंड ब्रांचेस ये सारी चीजें आएंगी. उसके अलावा एजेंसी ऑफिसर्स एंड ब्रांचेस डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट स्टेटस सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर्स येट दिस हैव बीन कंसिडर्ड एज अ पर्सन अंडर फेमा. सच ऑफिसर्स एंड ब्रांचेस आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया देयरफॉर दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. द टर्म पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पी आर आई मीन्स द फॉलोइंग एंटिटीज आई गेस मे पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इवन दो दे मे हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज. अ पर्सन हु हैज गोन आउट ऑफ इंडिया और स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एनी थ्री पर्पज गिवन बिलो. अगर कोई पर्सन जो है वो स्टे करता है आउटसाइड इंडिया और बाहर ही रहता है और ये तीन पर्पस करता है. अ पर्सन हु हैज कम टू और स्टे इन इंडिया अदरवाइज देन फॉर एनी ऑफ दी थ्री पर्पस गिवन बिलो. थ्री पर्पसेस क्या है फॉर ऑन टेकिंग अप द एम्प्लॉयमेंट फॉर कैरिंग ऑन एन बिजनेस और वेकेशन फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टेंसेस एज वुड इंडिकेट द स्टे फॉर एन अनसर्टेन पीरियड. एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट इन इंडिया एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इंडिया owned or controlled by a person resident in India. Person resident outside India means a person who is not resident in India during the relevant previous year did he reside in India for more than 182 days. Kya wo more than 182 days raha hai? Kya wo more than person jo hai more than 182 days raha hai? Kya ye teen purpose ke liye raha hai employment, business, vacation and any such other purpose which is ka period uncertain and all such थिंग्स. उसके बाद हम बता रहे हैं क्या ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर डिड ही रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज. क्या ये मोर देन 182 डेज रहा है येस और नो. अगर वो मोर देन 182 डेज रहा है अगर वो मोर देन 182 डेज से ज्यादा रहा है डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर. डिड ही गो क्या वो मोर देन 182 डेज रहा है क्या वो मोर देन 182 डेज रहा है. डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर. क्या वो बाहर गया है स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर यस और नो. अगर उसका पर्पस है क्या वो बाहर गया है गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर. डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर. डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया क्या वो बाहर गया है. डिड ही गो आउट क्या वो बाहर गया है या फिर स्टे किया है उसने बाहर इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर में. अगर यस तो क्या वो तीन पर्पस है. तीन पर्पस है तो वो हो जाएगा पी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. बट अगर वो तीन पर्पस नहीं है तो वो हो जाएगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. और सारी चीजें में नो है तो नो. डिड ही कम टू और स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर. क्या वो फिर से आया है यस. क्या वो तीन पर्पस के लिए आया है. अगर वो तीन पर्पस के लिए आया है तो यस पी आर डबल आई. अगर वो तीन पर्पस के लिए नहीं आया तो पी आर ओ आई और अदर केस में अगेन नो. एज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पी आर डबल आई एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया पी आर ओ आई आर क्वाइट रेलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट और एन एंटिटी. लेट अस एनालाइज एंड अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे. In this case of individual to be considered as a resident, the person should have resided in India in the preceding financial year for more than 182 days. Citizenship is not the criteria for determining whether or not a person is resident in India. Citizenship जो है that the same is not the criteria. वो criteria नहीं है कि जिसमें वो determine कर पाए whether or not a person in is resident in India. There are three limbs in the definition. The first limb prescribes the number of days he stays. Then there are two limbs which are exception to the first limb. First limb बोलता है इट स्टेट दैट अ पर्सन हु इज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग ईयर विल बी द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. दस एट द थ्रेशोल्ड और बेसिक लेवल वन हैज टू कंसिडर द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर. इट स्टेट्स दैट अ पर्सन हु इज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज. अगर कोई पर्सन जो है वो मोर देन 182 डेज है इंडिया में. अगर कोई भी पर्सन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है व्हाट विल बी द फर्स्ट लिम. What will be the first limb? क्या होगा? It is stated that a person who is in India for more than 182 days in the preceding year will be the person resident in India. It is stated that a person who is in India for more than 182 days.
इट स्टेट दैट अ पर्सन हु इज इन इंडिया, अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया में है फॉर मोर देन, इफ इट स्टेट्स दैट अ पर्सन हु इज इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, इट स्टेट दैट अ पर्सन हु इज इन इंडिया फॉर मोर देन, अगर कोई भी पर्सन जो है इन इंडिया में मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग ईयर विल बी अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो उसे हम मान लेंगे कि वो क्या है, वो पर्सन है रेजिडेंट इन इंडिया में, दस एट द थ्रेशोल्ड और बेसिक लेवल व्हेन हैज टू कंसिडर द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, इफ अ पर्सन रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1819 दैन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 the person will be in Indian resident for financial year 1819, one will have to consider the residence during the financial year 1718 and so on. तो हमें preceding year का देखना पड़ेगा. उसके बाद there are two exception है provided in clause A and B. Clause A is for the person going out of India. Clause B is for the person coming into India. Exception carve out situation that do not fall under the main body of the section even though they satisfy the criteria. This means that even if a person is an Indian resident based on the 10 provided in the first limb, the person will be a person resident outside India if he falls within the limb A or B. Clause A, second limb, it states that if a person lives in India in any of the three purpose visa, he will not be the person resident in India, he will be the PR or person resident outside India. हमने ये देखा है in the second limb, three purpose we have sa, अगर वो तीन purpose हो जाते हैं तो वो person resident outside India हो जाएगा. उसके बाद there's an example given for the first limb above, if a person lives in India on 1st November, he will be known resident from 2nd November even though his number of days in India was more than 182 days in the financial year. Similarly, if a person goes and stays out of India for carrying on any business, he will be the person resident outside India from that date. For financial year 1920, the person will be the person resident in India till 1st November. He will then be the person resident outside India from 1st April. This, the person will continue to be the person resident outside India as long as he stay out of India for employment. An example for clause 3 can be the person who has a green card in the USA. The green card entity is a person to stay in the USA and eventually become a US citizen. If a person goes abroad and starts staying in the USA, he will be the known resident from that date, as his stay abroad indicate that he is going to stay there for an uncertain period. Clause B, third limb, this is a complex clause. As a first limb, read with third limb has two exceptions. Limb 1 uses the phrase but does not include. Third limb uses the phrase otherwise, then use of two exceptions make it complex reading. It states that if a person has come to India for any reason otherwise than for employment, business or circumstances which indicate his intention to stay for an uncertain period, he will be a known resident. This will be so even if the person has stayed in India for more than 182 days in the preceding year. If a person comes to India on 1st June 2019 for visiting his parent, however his parent falls sick and stay till 31st March 2020, thereafter he continue to stay in India. It is however certain that he will leave India in next 6 months. When his parent recovered, his stay in India is neither for employment nor business or for circumstances which shows that he will stay in India for an uncertain period. In such cases, even he has resided in India for more than 182 days, he will continue to be the known resident from 1st April 20. Also, in a financial year 1920, he is of course a person resident outside India as he did not reside in India for more than 182 days in the financial year. If a person comes to India on 1st June 2019 for employment, business and circumstances which indicate his intention to stay in India for an uncertain, he will be the. अगर वो इन तीन purpose के लिए आता बाहर से तो हम मान लेते कि वो person resident in India है. Residential status is not for a year, it is from a particular date. This is different from income tax law. Under income tax, a person has to pay tax in respect of income for the previous year. Therefore, it is possible to look at a complete year for determining the residential status under the Income Tax Act. It is possible to look at a complete year for determining the residential status under the Income Tax Act 1961. FEMA is regulatory law. One has to know the person's status at the time of undertaking. Transaction. If, for example, a person comes to India for employment, if his status can be known only when the year is completed, how will he and other people enter into commercial transaction with each other? If he is considered as a person resident outside India till the year is over, then the people will not be able to enter into transaction with him.
This is the reason why the residential status is not for a year but from a particular date. It is understood that this condition apply only to individual. It will not apply to the HUF, AOP. It is understood that this condition, ye jo condition hai, that the same will only apply to whom? This will be apply only to the individuals. That this condition applies only to individuals, if or sirf individual pe hi apply hoti hai. It will not apply to HUF, AOP, artificial juridical person as they cannot get employed, cannot go out of India or come to India, hence they do not come within the ambit of the second and third limbs. Kyunki ye sirf individual pe apply hogi, HUF, AOP, AGP, artificial juridical person as they cannot get unko employment nahi milega, wo India se bahar nahi jayenge, India nahi aayenge, hence they do not require within तो ये सारी चीजें इन पे नहीं लगेंगी. This entity like HUF and AOP are not required to be registered or incorporated like corporate entities or nor the definition can be far stretched to cover by applying the criteria of owned or controlled. Hence legally the definition for HUF, AOP, BOI fail. Practically if the HUF, AOP are in India they will be considered as Indian resident. अगर वो इंडिया में है तो they will be considered as Indian resident. उसके बाद हमारा आता है दैट द नेक्स्ट कम दैट इज अ पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट. पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट इसमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर द पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट. एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. दिस डेफिनेशन टू डज नॉट अप्लाई टू एओपी, बीओआई एक्सेट्रा. ऑफिस ब्रांच और एजेंसी, एनी एजेंसी ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. दस वन कैन नॉट सेट अप अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया एंड अटेम्प्ट टू अवॉइड द फेमा प्रोविजंस. एनी एजेंसी ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया will be considered as a person resident in India. This is relevant as Indian resident can deal with such a branch in India without considering the FEMA. If such a branch is considered as a person resident outside India, then it will be difficult to undertake the several transactions. उसके बाद आता है हमारा मिस्टर एक्स हैज रेसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1924 लेस देन 182 डेज. ही हैड टू कम टू इंडिया ऑन अप्रैल 1 2024 कैरिंग ऑन बिजनेस. ही इंटेंड टू लीव द बिजनेस ऑन अप्रैल 30 2021 एंड लीव इंडिया ऑन दिस. Alright, so this chapter we have recorded only till now. Let's see whether we will record the same or not. Otherwise, we need to read it individually.